नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। भैया अभी भी है मौका, मार दो चौका। अभी भी है मौका, मार दो चौका, वरना मिलेगा बड़ा धोखा। क्योंकि 5 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। आपको पता है 5 सितंबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और 28 तारीख तक, उससे पहले जो 28 तारीख है उस तारीख तक आप अपनी टीम को बदल सकते हैं। आखिरी जो तारीख है बदलने की टीम वो 28 तारीख है और 5 तारीख से जो है वो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो ऐसे में टीम इंडिया को अभी भी मौका है टीम इंडिया के पास कि वो जो गलतियां की हैं स्क्वाड में उन गलतियों का सुधार कर सकती है। अब कौन कौन सी गलतियां की हैं ये आप लोगों के ध्यान में सवाल होगा कि भाई साहब गलतियां क्या क्या है, तो क्या क्या करना चाहिए टीम इंडिया को अपनी स्क्वाड में। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो है टीम इंडिया में कुछ गलतियां नजर आ रही हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर टीम इंडिया कमजोर नजर आ रही है और उन पर ध्यान देना चाहिए। टीम इंडिया को ध्यान देना चाहिए, बीसीसीआई सेलेक्टर्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलतियां नहीं तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। ये बात तो साफ है, अगर इन गलतियों के साथ टीम इंडिया आगे गई तो टीम इंडिया शायद वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी। नंबर एक गलती, ओपनर के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को अभी भी शिखर धवन के बारे में सोचना चाहिए। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को शिखर धवन के बारे में सोचना चाहिए। अगर टीम इंडिया शिखर धवन के बारे में नहीं सोच पाती है तो यह यकीन मानना कि टीम इंडिया बहुत बड़ी मिस्टेक करेगी, क्योंकि यह पुराने पहले से आंकड़े रहे हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर बना है तो टीम इंडिया का बेहतर प्रदर्शन हुआ है। यह बात आप याद रखना। आप 2019 के वर्ल्ड कप को ले लीजिए, जब शिखर धवन ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया तो रोहित शर्मा ने 5-6 शतक लगा दिए थे। वो परफॉर्मेंस कब आई थी? तभी आई थी जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन रहा था और जैसे ही केएल राहुल ऊपरी क्रम पर आए वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन टूटा, जैसे ही वो मामला टीम इंडिया का फिसल गया। तो इसीलिए मेरा मानना है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है और उसके लिए एक अनुभवी बल्लेबाज का होना जरूरी है। मेरा मानना है अभी भी 28 तारीख में बहुत दिन बचे हैं, 28 तारीख से पहले पहले आप अभी भी अपनी स्क्वाड में बदलाव कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शिखर धवन को लेना शायद टीम इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है भारतीय पिचों पर, क्योंकि भारत में हम वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। उसके बाद में जो दूसरा बदलाव मेरे हिसाब से होना चाहिए वो है अश्विन। जी हां, मेरा अभी भी मानना है कि अक्षर पटेल से बेहतर अश्विन भारतीय पिचों पर घातक साबित हो सकते हैं, अक्षर पटेल से बेहतर। क्योंकि अक्षर पटेल के लिए पक्ष में मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि आपकी टीम में रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं, दोनों की शैली एक है बल्लेबाजी की भी और गेंदबाजी की भी, इसलिए एक शैली के दो खिलाड़ियों को रखने का क्या फायदा, मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। इसलिए मेरा मानना है कि अक्षर पटेल की जगह टीम इंडिया अश्विन को मौका दे सकती है। अभी भी मौका है, चौका लगा दो वरना धोखा खाओगे, क्योंकि अश्विन भारतीय पिचों पर बहुत घातक साबित हो सकते हैं, बहुत कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अश्विन अगर आएंगे टीम इंडिया में भारतीय पिचों पर खासतौर पर तो यह टीम इंडिया के लिहाज से बहुत बेहतर होगा। अश्विन को खिलाना, देखिए अश्विन बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, हमने देखा है, गेंदबाज तो खैर वो कमाल के ही हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के लिए बहुत घातक है और भारतीय पिचों पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विदेशी टीमों में आएंगे तो उन बल्लेबाजों के लिए अश्विन बहुत घातक साबित हो सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अश्विन को लेना टीम इंडिया के लिहाज से बहुत बेहतर होगा। उसके बाद में नंबर 3, पता नहीं टीम इंडिया सोच रही है कि नहीं सोच रही है, मुझे ये बात अभी भी नहीं पता यार, प्रसिद्ध कृष्णा को आप क्यों नहीं ले रहे हो? भारतीय पिचों पर प्रसिद्ध कृष्णा बहुत कामयाब साबित हो सकते हैं और वैसे भी इस टीम में, जिस टीम में जो टीम है टीम इंडिया की, इसमें प्रसिद्ध कृष्णा सबसे रफ्तार वाले गेंदबाज थे, 145 के आसपास के वो गेंदबाजी लगातार कर सकते हैं, ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, उछाल उनको मिलता है। पता नहीं प्रसिद्ध कृष्णा को टीम इंडिया क्यों नहीं खिला रही है, मुझे अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ आपने शार्दुल ठाकुर को रख लिया, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं ना यार, दोनों तेज गति के ऑलराउंडर हैं। शार्दुल ठाकुर निचले क्रम पर, शार्दुल ठाकुर आपके बल्लेबाजी के लिए उतना नहीं जाने जाते हैं, वो गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गेंदबाजी अगर आपको खिलाना है तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाइए। आपको अगर गेंदबाजी खिलाना है तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाइए, शार्दुल ठाकुर से बेहतर है। इसीलिए मेरा मानना है कि भाई साहब आप अभी भी प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में सोच सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को आप अपनी टीम में अभी भी ले सकते हैं, यह टीम इंडिया के पास अभी भी मौका है कि प्रसिद्ध कृष्णा को लिया जाए। उसके बाद में मेरा ऐसा मानना है कि शायद संजू सैमसन को टीम इंडिया अभी भी रख सकती है, क्योंकि 17 खिलाड़ियों की स्क्वाड हो सकती है, यह कोई जरूरी नहीं है कि सारा 15 खिलाड़ियों की स्क्वाड होनी चाहिए, तो आप अभी भी संजू सैमसन को ले सकते हैं, एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर ले लीजिए, लेकिन संजू सैमसन को लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है संजू सैमसन को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस के साथ साथ में संजू सैमसन के मनोबल को भी गिराने वाली बात है, क्योंकि संजू सैमसन एक बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज है, इसको दुनिया जानती है। केएल राहुल उस तरीके की फॉर्म में
नहीं है यार, ये चीजें टीम इंडिया क्यों नहीं समझती? पता नहीं टीम इंडिया इस बात को कब समझेगी कि भाई साहब राहुल बेहतर फॉर्म में नहीं है, केवल उनको बेंच पर बैठाने से काम नहीं चलेगा, ये टीम इंडिया को सोचना चाहिए। उसके बाद में मेरा ऐसा मानना है कि यजुवेंद्र चहल यार एक बहुत इफेक्टिव गेंदबाज है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में मैच विनर गेंदबाज है। हर कोई परेशान है, हैरान है कि भाई साहब यजुवेंद्र चहल का टीम इंडिया में मौका क्यों नहीं मिला, उनकी जगह क्यों नहीं दी गई। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया अगर चाहे तो यजुवेंद्र चहल को भी शामिल कर सकती है। 28 तारीख लास्ट है, 28 से पहले पहले कोई भी देश जिसने टीम का ऐलान किया है वो अपनी टीम में बदलाव कर सकता है। तो जाहिर तौर पर ये टीम इंडिया अगर चाहे तो 4 बदलाव कर सकती है, लेकिन हाँ धवन और अश्विन ये दोनों बदलाव अगर टीम इंडिया कर देगी तो टीम इंडिया के लिहाज से बहुत बेहतर होगा, वर्ल्ड कप में हम थोड़ा सा और मजबूत हो जाएंगे और हम जीत सकते हैं। तो आपका इन चारों बदलाव को लेकर क्या कहना है, लेकिन आपके हिसाब से कौन से बदलाव करना सबसे जरूरी है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।